दोस्तों आपका सांबा टाइम्स में एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने आपको शोपियां से सिलेक्ट हुए जज उस्मान खुर्शीद जी से मिलाया था और किस तरीके से हमने बताया था कि किस तरीके से एक गन इन्फेस्टेड एरिया से उठकर एक लड़का जज बन जाता है, तो उन्होंने एक मैसेज फ्लैश किया था। आज हमारे साथ फिर से हैं श्याम शर्मा जी, जिन्होंने अपना सिविल जज का क्लियर किया है, और दूसरे साथ हमारे साथ हैं धीरे शाहबंद जिन्होंने अपना जेके पीएस में डिप्टी एसपी का क्लियर किया। तो आज हम इन दोनों के साथ आपको मिलाएंगे, क्योंकि बात यह है कि दोनों की बैकग्राउंड सेम है, कि दोनों की बैकग्राउंड रूरल एरिया से। पहले हम बात करेंगे श्याम शर्मा। श्याम शर्मा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो मैं सांबा से नई कली गाँव से हूँ। आपकी स्कूलिंग वगैरह वहीं से हुई है? जी सर, मेरी स्कूलिंग नट से हुई है, सीएमपी हाई स्कूल से। अच्छा, वहीं से मैंने टेंथ तक किया, उसके बाद मैंने केपी हाई सेकेंडरी ट्वेल्थ से अपनी ट्वेल्थ करी है, उसके बाद सांबा कॉलेज से ही अपनी ग्रेजुएशन करी है। अच्छा, उसके बाद कोई आपने एग्जाम ट्राई किया? उसके बाद मैंने एग्जाम मैंने जुडिशरी का ही ज़्यादा फोकस रखा था, सब इंस्पेक्टर के लिए दिया था, वो क्वालिफाइड हो गया था, बट इन द मेन टाइम मेरा प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर भी क्लियर हो गया, तो मैंने प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर ज्वाइन किया। सुना कि प्रोसिक्यूटिंग एग्जाम के दौरान आपको लग गई थी, उसके बाद अभी जुडिशरी के एग्जाम के टाइम पे लग गई थी। तो फिर आपका वो जो सफर था, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर आप थे, तो जज क्यों बनना चाहते थे? पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो बहुत अच्छी जॉब है, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मिली कि आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू सर्व इन द प्रोसिक्यूशन सर्विस, तो जैसे मैंने लॉ ग्रेजुएट हुआ तो उसके बाद मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैं वहाँ पे सिलेक्ट हो गया। बट जैसे ही मैंने अभी एक साल हो गया था वहाँ पे ज्वाइन किए, तो जुडिशरी की नोटिफिकेशन आ गई। एज ए लॉ स्टूडेंट हम सबका एक ड्रीम होता है टू सर्व इन द जुडिशरी, तो इट्स सच ए डिवाइन सर्विस, तो उसमें मैंने इसको प्रेफर किया। तो आपका एक जज बनने का सपना था जो आपने पूरा किया है। जी, एक रूरल बैकग्राउंड से होकर एक जज तक पहुंचना निश्चित ही एक बहुत बड़ा सफर है, और सबसे बात की खुशी इसी भी है कि मैं भी सांबा का ही रहने वाला हूं। तो मैं आपसे थोड़ा सा बात फिर करूंगा, पहले मैं धीरे शाहबंद जी के पास आना चाहूंगा कि आप भद्रवाह के रहने वाले हैं? जी, मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखता हूँ। जी, तो आपकी स्कूलिंग? मेरी स्कूलिंग 10th तक की डोडा डिस्ट्रिक्ट से ही हुई है। लेकिन मैं वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पाया। फिर मैंने वेटनरी असिस्टेंट सर्जन का एग्जाम दिया, तो मैं वहाँ पे सिलेक्ट हुआ, और मैंने 5 साल की डिग्री वेटनरी में की, और उसके बाद मैं 2 साल वेटनरी डॉक्टर के पद पर यहाँ पे काम किया। उसके बाद 1 साल मैंने दोबारा केएस का एग्जाम दिया, और मैं जे एंड के अकाउंट सर्विस में सिलेक्ट हुआ एज एन अकाउंट्स ऑफिसर, और लास्ट ईयर मैंने दोबारा एग्जाम दिया अपना रैंक इंप्रूव करने के लिए, और मैं जेकेपीएस में डिप्टी एसपी के रैंक में सिलेक्ट हो गया। अगर देखा जाए तो जो अकाउंट्स की जो सर्विस है ये काफी आरामदेह है। yes. इन कंपैरिजन विद डिप्टी एसपी, जो जहां पुलिस में आप गए हैं वहां काफी आराम है और जहां कम आराम, फिर भी आपने ये डिप्टी एसपी का क्यों चुना? क्योंकि सर जो मेरा शुरू से जो एम था वो था कि मैं एक ऐसी जॉब में जाऊँ जिसमें यूनिफॉर्म हो और सोसाइटी के लिए मैं कुछ बेटर वे में कर सकूँ, जिसमें सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन हो। अकाउंट्स में ये मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, इसमें मैं रिस्ट्रिक्टेड रह जाता अपने ऑफिस में और आराम में ही रह जाता, तो मुझे आराम से बेटर लगता था कि एक्टिवनेस थोड़ा सा एक्टिव रहता, थोड़ा सा बेटर वे में कुछ कर सकता, तो इसलिए मैंने उसको चुना। वैसे आपकी बिलेट भी इसी जॉब के लिए मुझे लगता है परफेक्ट है। तो श्याम जी, मैं आपसे बात करूंगा कि जज बनना आप देखते हैं, इस वक्त के आजकल के हालात आप देख रहे हैं, बहुत बार ऐसा आता है कि विपक्ष जो हमारे बात करूंगा ये सवाल उठते हैं कि जज जो है ये जुडिशरी से ही डिसीजन नहीं दे रही, तो क्या लगता है कि कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो आप क्या करोगे उस वक्त, आपको क्या करना चाहिए? देखिए, जुडिशरी हमेशा से जो है वो अनबायस्ड रही है, और हमेशा से और आगे भी अनबायस्ड ही रहेगी। ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो देखिए, एज ए जज इट्स सच अ चैलेंजिंग एंड एट द सेम टाइम डिफिकल्ट भी कह सकता हूँ, क्योंकि आप दोनों पार्टीज को प्लीज नहीं कर सकते। तो हमेशा ऐसा रहेगा ही रहेगा कि एक पार्टी आपके अगेंस्ट रहेगी रहेगी, जिसके फेवर में होएगा वो तो खुश रहेगा, तो जिसके नहीं होएगा वो तो अनबायस नहीं हो सकता ना। ये बायस की जो बातें उठती हैं ये हम देखते हैं कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि कभी भी ये नहीं हो सकता कि कोई खुश रहे कि हाँ जिसके हक में फैसला नहीं जाएगा
वो यही सोचता है कि मेरे से जेल हो गया। आप इसको लेकर जुडिशरी, जैसे कि हम कहते हैं कि जुडिशरी जो है ये एग्जेक्टिव और जो हमारा लेजिस्लेचर है दोनों को कंट्रोल करती है, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अल्ट्रा वायर्स हो जाए जुडिशरी रोल प्ले करती है, तो आगे समाज के लिए जैसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए जज कि आप किस तरीके का अपना किरदार निभाएंगे? जुडिशरी एक इंडिपेंडेंस ऑर्गन है, उस एट द सेम टाइम लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव भी एक अलग सेपरेट ऑर्गन है। जुडिशरी जो है वो कभी भी अपने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ प्राइम ऑफिशियल वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स और अदर डिस्प्यूट्स, तब तक जुडिशरी इसमें इंटरवेन नहीं करती। बट जुडिशरी का जो है वो एक सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑर्गन है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडाइट है, तो वो इंडिपेंडेंट ही रहेगी। एक मैं आपसे इस बार पूछूंगा ऐसे कि कहते हैं कि व्हेन देयर इज नो होप देयर इज जुडिशरी, इसको आप कैसे लेते हैं? तो जुडिशरी में क्या है कि देयर इज आपके लिए जो कहते हैं ना जो जस्टिस के जो डोर है वो हमेशा ओपन रहेंगे। आप यहाँ पे लोअर कोर्ट से स्टार्ट होते हैं जहाँ पे आपको एक आपका जस्टिस नहीं मिलता, तो आपके पास स्कोप रहता है कि आप अपर हायर कोर्ट में जाओ, सेशन कोर्ट में जाओ, हायर कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, तो जो जस्टिस के डोर हैं वो कभी भी क्लोज नहीं होते किसी के लिए। एक इसी से रिलेटेड और सवाल है, कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? तो बिल्कुल सही है, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड तो है, हमारी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से जस्टिस डिले हो जाता है, बट वी विल वर्क ऑन दैट और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे आगे सिचुएशन। आप एक रूरल बैकग्राउंड से आए हैं, आपने जुडिशियल का पेपर क्लियर किया है, आप बाकी कैंडिडेट्स को जो क्लियर कर रहे हैं क्या मैसेज देना चाहेंगे? लगे रहो, मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। हर्षवर्धन साहब आपके साथ बात, जैसे आपने ये आप डीएसपी बन जाते हैं, जैसे अभी आप बन ही गए हैं, कहने का मतलब रहा तो कुछ नहीं है समाज के लिए, जब पुलिस जो है हमारी बहुत काम करती है, अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली हमारी सांबा की पुलिस गई थी तो हमारे पीएसआई शहीद हो गए, तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसी बात रहती कि कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं था ना, बिल्कुल ऐसी चीजें आप कैसे कंट्रोल करेंगे इसमें? सर इसमें ये रोल जो होता है बेटर कोऑर्डिनेशन का ऐसे आता है कि आप जो जो करंट दो एसएसपी थे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का जो था वो मेल नहीं था, तो जब आप किसी जगह पे किसी और की ज्यूरिसडिक्शन में जाते हैं तो आपको वहां पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन का लैक था। कई जगह पे ऐसा होता है कि आप निकल जाते हैं इस चीज के चक्कर में कि मतलब मैं आगे जाऊं और इनकाउंटर करके आऊं तो फिर मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप थोड़ा जब जाओ तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के थ्रू जाओ, अपने एसएसपी को इन्फॉर्म करके जाओ या वैसे जाओ, तो वैसे इस चीज को हम मतलब इसको बेटर वे में इंप्रूव कर सकते हैं। हम जज साहब के पास वार्ड गुप्ता जी के पास आते रहते थे, कानूनी चर्चा में बात करते रहते थे, तो उन्होंने बहुत बार बताया कि पुलिस वाले कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, जैसे एनडीपीएस एक्ट में उन्होंने बहुत सारी बातें की कि जिससे वो अपराधी छूट जाते हैं, आपने इसके लिए कोई अलग से चीज करेंगे एनडीपीएस एक्ट के लिए? हाँ, जैसे कि उसमें जो फॉल्ट रहते हैं वो आप कैसे करेंगे उनको? देखिए एनडीपीएस एक्ट जो है वो नारकोटिक्स से डील करता है और उसमें जो सब्सटेंसेस जो पकड़े जाते हैं तो उसमें जो विटनेस है मौके पे लाना, मैं चाहूंगा कि मौके पे किसी विटनेस को ऐसे विटनेस को लाऊं जिससे कि जो अपराधी वो छूट ना जाए, क्योंकि कोर्ट में जो हमारा प्रोसिक्यूटर होता है वो वकील को जो जो अपराधी का वकील होता है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता है कि ये कैसे मतलब आपने एनडीपीएस मतलब वो नारकोटिक्स पकड़ा या क्या क्या, तो मैं ये चाहूंगा कि इसमें इम्प्रूवमेंट्स लाई जाए ऐसे कि बेटर वे में उसको हम आई विटनेस को वहां पे लाएं, बेटर वे में उसको हम सब्सटेंस को पकड़े और बेटर वे में हम जो प्रोसिक्यूशन का जो एक मतलब मेथड होता है उसको इंप्रूव करके कोर्ट में पेश करें, तो हाँ मतलब इसको हम इंप्रूव कर सकते हैं। आप कानूनी चर्चा में इधर आते थे, क्या आपको इसका कोई फायदा हुआ कि जो मैं कानून चर्चा में तो ऐसे नहीं आया, लेकिन सर के साथ मैं टच में था, तो सर के साथ टच में रहने का मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि सर ने मुझे ही प्रेरित किया था कि आप दोबारा एग्जाम दें, दोबारा इंप्रूव करें और दोबारा आप इस एग्जाम को क्रैक करें, तो इसका मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। आप समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे यंग जनरेशन के लिए जो आपकी तरह से ट्राई कर रही है? मैं ये दूंगा कि अपने जो ड्रीम है उसको फॉलो करो और उसके लिए दिन रात मेहनत करो और तब तक ना रुको जब तक उसको आप अचीव नहीं कर लेते। तो हमारे साथ इस वक्त जज साहब हैं, एक तरफ डिप्टी एसपी साहब हैं, ये जहां पर कानूनी चर्चा के प्लेटफॉर्म पर जज साहब
सुभाष गुप्ता जी ने और बार्बन मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज इनको यहाँ पर सम्मानित किया है, क्योंकि ये उनके टच में थे, इन्होंने बहुत गाइडेंस हासिल की है। हम चाहेंगे कि ये आने वाले फ्यूचर में और तरक्की हासिल करें और आगे मुकाम हासिल करें। धन्यवाद जी, मुबारक है आपको। गॉड ब्लेस हिम, और आगे ये तरक्की करें। पहले देखो एक स्टेप पे आगे आए हैं, पहले ये प्रोसिक्यूटर और आगे ये एज ए जज आए हैं, और आगे हम चलते हैं जल्दी जल्दी आगे। ये आज हैवी नवरात्रे हैं और नवरात्रे और प्राइड है हमारे जम्मू के हैं, और पर्टिकुलर इनकी बैकग्राउंड सांबा से है जहाँ से मैं भी हूँ। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कैसे सफर रहा आपका इसका? अपने मेरा नाम श्याम शर्मा है, मैं सांबा से बिलोंग करता हूँ। करंटली आई एम पोस्टेड एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन रियासी। तो अभी रिसेंटली मैंने केसीएस में एग्जाम दिए और फाइनली मैं सिलेक्टेड हो गया। थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस। जी गाइडेंस सुनील साहब जी हमारे हैं, जी IFS हैं, तो जी हमारे फॉर्मर मेंबर जो हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के थे। तो अभी ये काफी हमारे कानूनी चर्चा जो हमारा चैनल है उसके द्वारा टीम कानूनी चर्चा के जी उससे जुड़े हुए हैं। एक लेमैन लैंग्वेज में लॉज को जो है वो आम लोगों के बीच में जो है वो लेके आते हैं और बताते हैं कि एक्चुअल में लॉ क्या है, क्योंकि लॉ एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबके इजी नहीं होता अंडरस्टैंड करना। तो लेमैन को जो कानूनी चर्चा से लॉ समझ आता है वो बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट सर ने शुरू किया। थैंक यू अपने हाथ में लो तो जी धीरज जी हैं, डॉक्टर धीरज हैं, इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री के में डॉक्टर हैं, और उसके बाद इन्होंने और ये इनका था कि यही मैंने अचीव करना है, आई हैव टू बिकम IAS ऑफिसर। अभी नेक्स्ट है तो पहले ये अकाउंट में हुए, अकाउंट इनको मिला एक केस में जब आए तो इन्होंने एक बार और दिया, फिर अभी ये इन्होंने आप किया डिप्टी SP जो PS, तो डिप्टी SP आपको पता ही पहले जाएंगे दूंगा आपको। आप भी थोड़ा एक मिनट, आज हमने इनसे बातचीत करवाई है जो हमारे फार्मर दो पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर थे जो, और वो एक्टिंग एक तो फारूक लोन साहब एक्टिंग किए रहे हैं फारूक कमीशन के, और जो IPS हैं जो फार्मर थे उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जिनको हमने ब्लेसिंग और बातचीत डायरेक्टर जनरल कहता था। ये सफर हम वेटनरी में सब्जेक्ट होते हैं बोलते हैं कि इजी हो जाता है, क्या सच्ची बात झूठ है, बताए अपना एक्सपीरियंस। मेरे से स्टार्ट हुआ है पहले वेटनरी में, वहाँ से मुझे लगा कि की तरफ मुझे लिए, मुझे पेरेंट्स ने इंस्पायर किया, सर ने मुझे इंस्पायर किया। जो पहला मॉक्स था शुभ्रा नाम के अंडर पे सर पैनलिस्ट थे, तो वहाँ पे मुझे बाकी सर थे सुभाष ने मुझे वहाँ पे किया तो आगे जाना चाहिए, वो मेरा अच्छा गया। तो लास्ट ईयर मैंने एग्जाम दिया तो मुझे मिला, फिर मैं अंकल के पास गया था, सुभाष गया था, मुझे बोला कि दोबारा एग्जाम देना चाहिए, रैंक इम्प्रूव हो और इससे जी जज बनने जा रहे हैं आप, कराओ अपने इंट्रोडक्शन। बात करो ना पूरी करियो। श्याम शर्मा, 2021 में आपने इंटरव्यू लिया था PSU में। हेलो कौन? अभी रियासी में पहुंचे सर, अभी रिसेंटली सर। कौन बोल रहा हूं सर? इतनी वर्क सर आपको सर मैं आज क्या मैं